मोहतरम नाजरीन, अभी हज़रत क़िबला हज़रत सैयद यूसुफ़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के तकारीब के सिलसिले में इश्तिहार की रस्म इजरा अंजाम दी गई है। आज के इस इश्तिहार मुतवल्लिया ने बारगाह हज़रत सैयद यूसुफ़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों और मैं मोहम्मद यूसुफ क़ादरी के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। तो कहना यह है कि हर साल माह ज़िलहज्जा की 21 तारीख को हज़रत सैयद यूसुफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का अज़ीम शान पैमाने पर बड़े पैमाने पर संदल मुबारक यानी उर्स मुबारक मुनक़िद होता है। तो इस साल 21 ज़िलहज्जा 1443 हिजरी मुताबिक 21 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात हज़रत सैयद यूसुफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स संदल मुबारक मुनक़िद है। ये संदल मुबारक का निज़ामुल अमल इस तरह है कि कोसगी, तोगापुर, कोतरेड़ीपल्ली और कोलेपल्ली, हकीमपेट, कोड़ंगल और दूधबोली हैदराबाद से और मुख्तलिफ मकामात से संदल जुलूस संदल मुबारक बरामद होता है। ये तमाम संदल ग्राम पंचायत शरदाहपेट के पास जमा होते हैं। वहाँ पर इज्तिमाई शक्ल में तमाम संदल मुबारक बाद नमाज असर बरामद होते हैं। तो नमाज मगरिब से कबल ये संदल मुबारक जुलूस संदल मुबारक बारगाह शरीफ बारगाह हज़रत सैयद यूसुफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं। तो इसके बाद नमाज मगरिब अदा की जाती है। नमाज मगरिब के साथ ही रस्म संदल माली अंजाम दी जाती है। तो इस रस्म संदल माली मुतवल्लियान बारगाह हज़रत सैयद यूसुफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद सलीम साहब भी इस रस्म संदल माली अंजाम देते हैं, इसमें शिरकत फरमाते हैं। तो तमाम मुहिबान अलिया से गुजारिश है कि वो संदल में कसर तदाद में शिरकत फरमा कर हज़रत से फैज़ हासिल करें।